الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنگ بدر کی تفصیلی سٹڈی ہم کر رہے تھے اس میں پچھلے اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں. जब अबू जहल के कत्ल की स्टोरी जो है वो आ गई थी दो नौजवानों के ज़रिए एक मुआज़ और एक मुआवज ये दो उन सहाबी का नाम था दोनों अंसारी साहबी हैं ये दो हज़रत थे और जिसमें मुआवज़ को दौरान जंग ही कुछ चोटें आई थी जिससे बाद में उनकी शहादत हो गई और मुआज़ जो हैं वो बहुत तवील मुद्दत तक जिंदा रहे और ये वाक वाक़ा जो था वो मुआज़ के साथ ही पेश आया था कि उन दौरान जंग जो है वो उनके उनका हाथ इस तरह ज़ख्मी हो गया कि पूरा हाथ जो है तकरीबन कट गया वो एक छोटे से गोश्त के टुकड़े से वो जिसम के साथ जुड़ा हुआ था तो जंग के दौरान चूंकि वो हाथ अब उनके काबू में नहीं था वो झूल रहा था तो जंग में रुकावट का सबब बन रहा था तो उन्होंने कहा कि ये हाथ चूँकि अल्लाह ताला के रास्ते में और अल्लाह ताला के दीन के दिफा के रास्ते में मेरे लिए रुकावट बन रहा है लिहाजा उन्होंने उस हाथ को नीचे रखा और उस पर खड़े हो गए यानी उसको अपने जिसम से जुदा कर दिया और उसी तरह एक हाथ के साथ जो है वो जिंदगी भर रहे और उनका इंतकाल जो हैत ऊस्मान बिन अफ़ान और की दौर खिलाफत में हुआ और जो दूसरे थे जिन्होंने अबू जहल यानी इन दोनों ने जॉइंटली समझिए अबू जहल को कत्ल किया तो मुआवज़ जो थे वो वो उसी जंगों में कुछ जख़म वगैरह लगा जिससे फिर उनका इंतकाल हो गया तो वो शहीद हो गए तो इस एतबार से मुआवज़ जो हैं वो बदरी तो सहाबी हैं शहीद होने का मरतबा उनको मुआज से ज़्यादा मिला लेकिन माज की खसूसियत यह कि उन्होंने अपना हाथ कम से कम शहीद किया जंग बदर में तो इस अतबार से दोनों मुश्तरक हो गए उसमें और फिर कत्ल में दोनों की दोनों का सिग्निफिकेंट रोल था तो अबू जहल का कत्ल बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टोरी है बद्र की और कुरेश के डाउनफॉल की पहली ईंट है यानी कह लीजिए कुरान क्रैश के डाउनफॉल की शुरुआत उसी से हुई है तो अब दूसरा जिस दूसरे शख्स जिसके जिस का वाक़ हम पढ़ेंगे वो उमैया बिन खलफ़ है उमैया बिन खलफ़ ये कौन था यह सईदना बिलाल रज़ील का आका था मक्के के अंदर और ये बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करता था हज़रत बिलाल रजील को अजियत पहुँचाने में और आप पे तशद करने में जैसा कि आप जानते हैं वाक़ात पहले आ चुके हैं बिलाल रज़ी पे ऐसी दास्तान जो है हर मुसलमान को मालूम है और किसी भी मुसलमान से छुपी हुई नहीं है और सबसे ज़्यादा कॉमनली रिकरिंग दास्तानें हैं जो सहाबा कराम पे स्तम की दास्तान हैं मक्का के अंदर उसमें सबसे ज़्यादा दोहराई जाने वाली स्टोरीज जो हैं वो दो ही हज़रा की हैं एक हज़रत खबाब की हज़रत खबाब बिन अरत और एक बिलाल हबशी रज़ीम तो उनमें बिलाल पे जो तशद करता था वो मैबिन ख़लफ करता था और तवील ज़माने तक तवील मदत तक इसने किया और बहुत ज़्यादा ऐतम करता था उसकी तफ़ीत पहले आ चुकी हैं बाद में सैदिन अबूबकर रजी के इसरार पे ये तैयार हुआ कि बिलाल को बेचने के लिए तो बकर अबूबकर ने बहुत बड़ी रकम दी इसको बिलाल रजील को ख़रीदने के लिए और फिर ये कि साथ में अपना एक बहुत ही मस्त, बहुत मुस्तैद और बहुत मजबूत ग़ुलाम भी दिया उसके बाद ये उमैबिन खलफ जो है तैयार हुआ बिलाल रजील् को बेचने के लिए तो बहरल अबूबकर और रजील ने आज़ाद करा बिलाल और बिलाल रज़ी की इज़्ज़त इतनी ज्यादा थी यानि यानि ये कहना ही काफ़ी है कि वो मज़्न रसूल थे वसल्लम यानी नबी अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमु में से आ, उस अमल के लिए उस अमल की निदा के लिए बिलाल रजी को चुना जिस अमल के तमाम माल में अफजल तरीन अमाल होने में किसी के नज़दीक कोई शक शुभा नहीं है यानी नमाज का तमाम मजमू दीनी अमाल में सबसे अफजल तरीन होना ये बिल्कुल गैर मशकूक बात है इसमें किसी को शक शक व शुभा नहीं होता है और किसी ने इस पर इख्तिलाफ़ नहीं किया यानि अमाल में मुस्तिल आमाल मस्त और अमाल मतमर की बात करो जो हमेशा किए जाएँ बसा अवत क्या होता है कि सूरत हाल के मुताबिक बाज़ आमाल दूसरों से अफजल हो जाते हैं मिसाल के तौर पर यानी अगर ज़कू़़ का मुस्तह आ गया है और ज़क़़त इंसान के ऊपर वाजिब हो चुकी है और उस वक्त नमाज का वक्त नहीं है तो उस वक्त जगात की अहमियत ज़्यादा हो जाएगी उसी तरह सदक़े की उसी तरह रोज़े का मौका है तो कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि रमज़ान में मैं रोज़े नहीं रखूँगा अलबत्तः नमाज़ें जो है पाँच के बजाय पच्चीस नमाजें पढ़ लूँगा तो उसकी वो बाक़िया बीस नमाजें जो हैं वो उस रोजे से अफजल नहीं हो सकती है ना तो यानी मौके की मुनासबत से अहकाम होते हैं लेकिन अगर अपने कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो नमाज़ से अफज़ल कोई इबादत नहीं है अलबा सिचुएशन के हिसाब से बाज़ इबादत बास से अफज़ल हो जाती है यानी मिसाल के तौर पर जंग के दौरान दौरान जंग जब जबार से जंग हो रही हो इस्लाम के दिफा की तो उस सूरत में जाहिर है कि यानी उस मौके पर जंग की अहमियत जो है नमाज से ज़्यादा हो जाएगी उसी तरीके से जहाँ पर कुछ दूसरा फ़र्ज किफ़ाए अदा करना हो तो वैसे मौके पे नमाज की अहमियत कम हो जाएगी और उन फ़राइज़ की अहमियत ज़्यादा हो जाएगी लेकिन मजमुई तौर पे देखा जाए कलेक्टिवली स्पीकिंग और फरज़ मस्त और फरज़ मस्तमर्रा के इससे देखा जाए तो नमाज से ज़्यादा अहम कोई अमल नहीं तो नमाज की निदा के लिए जहाँ नमाज जितना अहम है उसी तरीके से उसकी निदा भी उतनी ही अहम है तो उस निदा के लिए जिस शख्स का इंतब रसूल ने किया वो बिलल हैं तो ये इनकी फ़ज़ीलत के लिए काफ़ी बयान है काफ़ी उशाफी बात है चुनाचा उमर बिन ख़त्ताब खत्ता रज़ील कहा करते थे कि अबू बकर रज़ी हमारे सैयद हैं हमारे सरदार हैं और उन्होंने हमारे सरदार बिलाल को आज़ाद कराया हालाँकि बिलल हबिशी ग़ुलाम थे जो अरब के माहौल में अबू जहल के ऊँट के पास भी नहीं बैठ सकते थे यानी अबू जहल के पास बैठने की तो दूर की बात है उसके ऊँट के पास भी बिलाल नहीं बैठ सकते थे और उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ये कि अपना मुअज़्ज़िन बनाया बल्कि उनकी ऐसी इज्जत और तौकी की कि उम्र फरमाते हैं कि अबू बकर हमारे सरदार हैं और उन्होंने हमारे सरदार बिलाल को आज़ाद कराया और बिलाल रजी की इज़्ज़त और अल्लाह ताला के नज़दीक महबूबियत और रसूल के नजदीक उनका मुकाम मरतबा इससे साबित होता है कि जब फतेह मक् हो गया और तमाम पुरानी कदरें टूट गई तमाम पुराने पैमाने टूट गए अरब के अंदर हर यानी सही वमाम मेज़ान बदल दिए गए फतह मक् के बाद तो ये वो मौका था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातेहाना हैसियत से मक्के के अंदर दाखिल हो रहे हैं उस मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया और फिर ये बिलाल रज़ी को हुक्म दिया कि काबे की छत पर चढ़ जाओ और फिर अजान दो अब जरा तसवुर करें कि जिस शख्स को अरब में इतनी भी इज़्ज़त हासिल नहीं थी कि वो अबू जहल के ऊँट और जानवर के पास और उसके चारे के पास बैठ सकता उस शख्स को अरब अजम के सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म फ़रमा रहे हैं कि अजान सिर्फ हम नहीं दो बल्कि काबा जो सबसे मुक़दस तरीन मुकाम है मक्के के अंदर और सबसे मुकदस तरीन घर है उसकी छत पे बिलाल बिला रजील अपने कदम से चढ़ें और उस पर जाके अज़ान दें और लोगों में यानी एक तो ये कि उससे अज़ान की और अल्लाह ताला की बरतरी को साबित करना मकसद है दूसरा ये कि यानी अमली तौर पर नबी सल्ला वसम ने बिला रजील को इज़्ज़त बख्शी जिसके बाद यानी अगर सिर्फ जबानी कहा जाए कि रेसिज्म कुछ नहीं होना चाहिए रेसिज्म रेसिज्म और आपकी 200 साल की हिस्ट्री हो कि आपने रेसिज्म को और स्लेव ट्रेड में यानी आपने बहुत तूफान मचाया है और आप अपने पार्लियामेंट में बैठ के कहें कि रेसिज्म बुरा है तो उस उस बात की कोई अहमियत नहीं होती लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अमली तकरार नहीं दी हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा वाबराम की ज़िंदगी में कलाम कम होता था अमल ज़्यादा होता था यानी आपने कभी नहीं सुना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्फ्रेंस करके दो घंटे जो है स्लेवरी की बुराई और यानी इंसानी मसावत और इन सब पे बातें की हूँ लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बढ़ के अमली सबूत दिया और अमली सबूत जो होता है ना वो देरपा होता है उसमें इस्तेमरार होता है ना उसमें दुआम होता है तो रसूलुल्लाह रसूल ने बिलाल को हुक्म दिया अब काबे की दीवार तो बहुत ऊंची थी ना उस पर चढ़ नहीं सकते थे बिलाल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहाँ पे बैठ गए और हुक्म दिया बिलाल को कि मेरे कंधे पे पैर रख के काबे पे चढ़ जाओ अब जरा तसवुर करें कि जो यानी रसूलुल्लाह रसूलम पूरे अरब के सरदार हो चुके हैं यानी आपकी हैसियत एक मुसलम हैसी यानी बिल्कुल एक्सेप्टेड लीडर के तौर पर आप जो हैं अरब के अंदर हैं और फातेहाना तौर पर जो है दाखिल हुए हैं मक्के के अंदर और उस मौके पर हुक्म दे रहे हैं कि मेरे कंधे पर अपना पैर रख के काबे की छत पर चढ़ो और अजान दो तो ये वो बिलाल हैं जिनकी जिनका मुकाम है अब जाहिर है कि उनको ये अजियत दिया करता था उन पर बहुत तशद किया करता था ये सारे वाक़ पीछे आ चुके हैं तो अभी हम इसी की यानी उमैया बिन खलफ़ के यानी इसका जंग बदर में कैसे कत्ल हुआ उसकी दास्तान पढ़ेंगे तो इससे पहले आपको थोड़ा सा याद करा दूं कि यानी मैंने बताया था कि उमैया बिन खलफ जो है शुरू में ही वॉज नॉट वेरी ईगर टू पार्टिसपेट इन बैटल ऑफ पदर जैसा मैंने पहले बताया था यानी मैंने कई बड़े बड़े सरदारान जो झिझकते थे जंगे बदन में पार्टिसपेट करने में उसमें उमैया बिन खलफ का भी नाम लिया था और रीज़न सबके मुख्तफ थे उतबा का रीज़न अलग था है ना उकबा उबा इबिन अबी मईद उसका रीज़न अलग था उमैया बिन खलफ का रीज़न अलग था उमैया बिन खलफ का, का बुनियादी सब यह था कि ही वॉज अ वेरी वेरी रिच पर्सन एंड ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइट मतलब ही वॉज लाइक टिपिकल रिच पर्सन बहुत ही मोटा आदमी था बहुत ही यानी गोल मटोल मोटे कस्म का इसकी यानी पूरी छबी थी और जंग वगैरह में नहीं था लेकिन हाँ बहुत नफीस कपड़े पहनता था बहुत बेहतरीन यानी जिंदगी गुजारता था तो ये नहीं चाहता था तो वाक्य पीछे आ चुका है कि बाद दफ़ा अबू जहल वगैरह ने इसको ताना दिया और उसको समझाया कि तुम कौम के लीडर हो गए तुम शामिल नहीं होगे तो कौम का मरइल जो है डाउन हो जाएगा इस सब जो है ये उनके ताने के डर से जंग में शामिल हुआ था तो ये उमैया बिन खलफ था जब इसने देखा कि जंग की रुख बदल रहा है हवा तब्दील हो रही है तो इसकी दोस्ती रही थी उमैया बिन खलफ़ की एक ज़माने में दोस्ती रही थी हज़रत अब्दरमान बिन ऑफ रज़ी अनहू से ये अब्दुलरम बिन ऑफ कौन है अब्दरमान बिन ऑफ रज़ी उन्हहूँ ये आश्र मुबर में से नहीं ये वो जन्नती साहबी हैं जिनको नबी सल्ला वसम ने एक मौके पर मंबर से जन्नत की बशारत दी है ना उन दस सहाबी को उनमें से एक की ठीक है।, है तो अब्दरमान बिन ऑफ़ और ये बहुत अमीर थे है ना तो थोड़ा सा यानी जाहिर है कि बहुत सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन थे उनके बारे में ज़िक्र आ चुका है पीछे भी तो इनकी दोस्ती थी उमै बिन खलफ़ से तो दौरान जंग जब उमैया बिन खलफ ने देखा कि बिन ओफ को देखा तो तोरमान बिन औौफ़ से कहा कि एब्दुलरहमान तुम चाहो तो मुझे अरेस्ट कर लो मुझे प्रिजनर बना लो और मुझे मोहम्मद के पास ले चलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकि मेरा कत्ल ना हो जाए जंग में यानी इस वक्त भी वो अपनी जान की उसको पड़ी हुई थी जंग में और शिद्दत खौफ में उसने कहा कि तुम मुझे कैदी बना लो और मैं अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ और तुम मुझे मोहम्मद के पास ले जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब और मैं इसके बदले जो हैं तुम बहुत मोटी रकम मेरे लिए फीए में ले लेना मेरे घर वालों से मेरे घर वाले दे देंगे क्योंकि ही, मतलब इस उसको तो जंग में कोई वो भी नहीं थी यानी जंगी सलाहियत भी नहीं थी वैसे मौके पे इसने देखा कि अगर पैसा खर्च करके अपनी जान बचाई जा सकती है तो बचा लेना चाहिए तो इसने कहा कि मैं बहुत मोटी रकम तुम्हें मैं के तौर पर दूंगा तो मुझे जो है मोहम्मद के पास ले जाओ कैद करके क्योंकि इसको खतरा था कि कोई इसे कत्ल कर देगा तो बहरल अब्दुलरहमान बिन ऑफ इसके लिए तैयार हो गए उनको अरेस्ट किया और यानी उमैया को अरेस्ट किया और ले जा रहे थे अचानक बिलाल रजील्लाहों की निगाह पड़ गई उमैया बिन खलफ से अब जाहिर है कि बिलाल रजील्लाह के सारे जज़्बात जो है जाग खड़े हुए और क्यों ना खड़े हों यानी बिल्कुल ये इस्लामी जज्बे का भी तकाजा था कि वो जो है वो उमैया बिन खलफ़ से जो एक बग्ज़ और एक जो गुस्सा था और एक फितरी जज्बा जो इंसान के होते हैं उसके तहत भी उमैया से मजीद उनको जो है वो चिड़ तो थी, थी तो बिलाल रजील्ला ने कहा कि अल्लाह की कसम मैं तुम्हें कत्ल करूँगा ठीक है और फिर उस पर हमला हो गए अब ज़ाहिर अब्दुलरमान बिन औफ ने कहा कि जाओ इसने खुद ही सरेंडर किया है मेरे सामने और मैं इसको रसूल सम के पास ले जाता हूँ कैदी के तौर पर इससे हम लोग बड़ी मक़दार में रकम लेंगे वगैरह वगैरह बिलाल रजील्ला उस वक्त ज़ाहिर है कि जज्बात के तहत भी और इस्लामी हमीत के तहत भी ये सब बातें नहीं समझ में आई और उन्होंने जो हमला हुए और अब्दरहन बिन ऑफ़ डिफेंड कर रहे थे क्योंकि वो उनको वो उसको प्रिजनर बनाना चाह रहे थे ना और अब्दुलरहमान बिन ऑफ माजल्ला किसी दुनियावी गर्ज़ से ये काम नहीं कर रहे थे वो ये समझते थे कि जाहिर है कि इससे एक मोटी रकम लेंगे तो फ़ायदा किसका होगा इस्लाम का ही होगा कोई अबरहमान बिन ऑफ अपने घर के लिए रकम नहीं वसूल करने वाले थे ना उसके उनके घर में एक रुपये भी नहीं जाता उससे लेकिन वो उनका मकसद भी इस्लाम की ही बका और इस्लाम की ही इज़्ज़त अफजाई और इस्लाम की ही मजबूती थी और बिलाल रजील ने एक दूसरे जज्बे के तहत वो भी यानी एक ख़ास जज्बे के तहत जो है हमलावर हो रहे थे बहरहाल अब्दुलरहमान बिन ऑफ ने जब थोड़ा प्रोटेक्ट किया तो बिलाल रजी ने अंसार को आवाज़ दी है ना अनसार मदीना को आवाज़ दी और कहा कि यही वो मैबिन ख़लफ़ है जो मुझ पर तशद करता था इससे ये भी पता चला कि बिलाल रजी के वाक़ात भी अनसार में मशहूर हो चुके थे बहरल तो इस पर जो है अंसार ने हमला शुरू कर दिया और अब्दुलरहमान बिन औफ़ प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे लेकिन बहरल अनसार ने अब्दुलरहमान को बचाते हुए उमैया पे हमला करके उमैया को कत्ल कर दिया तो इस तरीके से जो है उमैया की डेथ हुई यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि उस वक्त तक जो है जंगी कवायद और कानून वगैरह का नज़ूल नहीं हुआ था है ना तो ना बिलाल रजील्ला उन्होंने जानते थे कि प्रिजनर के साथ क्या मामला करना है ना अब्दुलरहमान बिन ऑफ ये जानते थे कि प्रिजनर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं तो ये सारी जो वो काम कर रहे थे ना वो ऐसा नहीं है कि वो किसी ना किसी सही इस्लामी जज्बे के तहत ही काम कर रहे थे अलबत्त अहकाम का चूंकि नजूल नहीं हुआ था तो उतनी क्लैरिटी नहीं थी बिलाल भी अपने तहत इस्लामी ए, यानी अकदार जंग और इस्लामी मकासदे जंग को पेश नज़र रख के जो है मुैया पर और अपने इंसानी जज्बात के तहत भी हमलावर हो रहे थे और अब्दरहन बिन ऑफ जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे उनके पेश नजर भी इस्लामी मकासदेही थे ना इस्लाम की मजबूती ही मकसद था उनका भी तो चूँकि यानी कि जिसको कहते हैं कि जंग के कवानीन वगैरह का नज़ूल नहीं हुआ था और फिर ये कि असीरों का यानी कैदियों जो हो जाएँ जंग के अंदर उनके बारे में क्या कवानीन है उनका भी नज़ूल नहीं हुआ था तो इस सबब से लैक ऑफ क्लैरिटी थी ठीक है ना अच्छा एक और चीज़ समझनी ज़रूरी है कि इस्लाम में जो जंगी कानून हैं और जो आम कानून है उनमें फ़र्क़ है यानी बसा अवकात आम कानून मत्ल हो जाते हैं दौरान यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आम हालात में बिल्कुल क़त हराम है लेकिन दौरान जंग वो हलाल मिसाल के तौर पे जैसे किसी किसी का भी माल हो चाहे वो नेक इंसान का हो मुशरिक का हो काफिर का हो उसका माल आप उसे छीन नहीं सकते ना अगर वो ओनर है उसका तो फॉर एग्जांपल लेकिन दौरान जंग जो है ये रूल मुअत्तल हो जाता है यानी जब जंग हो रही है तो ज़ाहिर है आप उसके ऊपर हमलावर होंगे उसके तलवार को उसके ढाल वगैरह को हासिल करेंगे साहबा ने ऐसा किया है और वो फिर गनीमत के तौर पर उस शख्स की उस शख्स वो शख्स उसका वारिस हो जाता है जो जिसने उस काफ़िर को कत्ल किया तो जो आम कवानीन हैं उनका नफाज मैदान जंग में नहीं होता और मैदान जंग के कवानी हैं उनका नफाज आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं होता इस फ़र्क को समझे इन इस फ़र्क को ना समझने के सबब क्या होता है कि बसा अवत गट चीज़ें हो जाती हैं और इंसान ये नहीं समझ पाता कि कौन से कवानी जंग के लिए हैं और कौन से कवानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कवानीन जंग पे लागू नहीं होंगे और जंग के कवानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू नहीं होंगे ठीक है ना तो इस पर तफसीली मौके पर बात होगी लेकिन एक ज़रा पॉइंट जो है है वो इंडिकेट करना था ठीक बहरहाल इस तरीके से उमैया बिन खल की डेथ हो जाती है और उमैया बिन खलफ को दफनाया नहीं गया यानी जितने भी कुफार मुश्रकिन कत्ल हुए हैं कुरैश की तरफ से सबको दफनाया गया बरियल जो है सबको दिया गया इससे एक बेसिक डिसंेंसी समझ में आती है कि दुश्मनों के साथ भी जब जंग की जाएगी तो उनके नाश वगैरह उनके जस्म को मतलब पामाल नहीं किया जाएगा बल्कि उनको दफन कर दिया जाएगा प्रॉपर प्रॉपर तरीके से और इसका दूसरा सब ये भी है कि गंदगी वगैरह ना फैले यानी जिसम अगर किसी मुर्दे का इधर उधर पड़ा हो तो उससे जो है वो फिर बहुत तरह के जरासीम वगैरह फैलते हैं गंदगी फैलती है बहुत तरह की बीमारियां फैलती हैं फिर और भी उसके नुकसान हैं तो इन सब वजूहत के बिना पे एक बेसिक ह्यूमन डिसेंसी भी है कि वो यानी किसी की लाश को इस तरह ना छोड़ा जाए और दूसरी चीज़ ये कि ये जो दूसरे इसबाब हैं दूसरी वजूहत हैं इनके बिना पे हर किसी को दफन किया जाएगा है ना ये इस्लामी कानून में से इस्लामी कवानी में से कानून है अब उमैया बिन खिलाफ वाहि शख्स था जिसको दफन नहीं किया गया उसका सबब क्या था अल्लाह ताला को इसकी ज़िल्लत इस तरीके से मकसूद थी और अल्लाह ताला को बिलाल की इज़्ज़त अफजाई और बिलाल के जिसको कह लीजिए कि जज्बे की तस्किन इस तरह मंजूर थी कि उमैया एक तो कतल हुआ ज़िलत के आलम में कत्ल हुआ और उसके कतल होते ही उसके जिसम जो है गलना शुरू हो गए यहाँ तक कि साबक राम ने जंग के बाद मुख्तलिफ कुफार मुश्रिकीन की लाशों को उठा के कुएं के अंदर रखा और फिर उसको जो है वो उसको उसको बंद किया कुएं को बाद लोगों को दफनाया लेकिन उमैया बिन खलफ़ की जब लाश को उठाने गए तो उसका गोश्त गलना शुरू हो गया था इन इतने कम मद्दत के अंदर ही और वो उसका गोश्त जो है सब जिसम का गोश्त सट गया था पत्थरों के ऊपर जिस पत्थर के ऊपर उसकी लाश पड़ी हुई थी तो इस तरीके से वो उसको जैसे ही उठाना चाहते तो वो पूरा जिसम उसका गलने लगा तो फिर कोई मौका नहीं था कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि उसको बरियल दिया जाए उसको दफनाया जाए तो फिर ये कि पत्थरों के जरिए ही यानी कि वो रेगिस्तानी गर्म पत्थरों को ही उसके

तो दूसरा वाक्य जो बदर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हज़रत अबू उबैदा अमर अल जर्राह अबू उबैदा अमर अल जर्राह इनका नाम याद रखिए ये भी अशर मुबशरा साहबी में से है ना इनके फ़ादर का वाक़ पढ़ने जा रहे हैं ठीक है थेक? तो अबू उबैदा अमर अल जर्रा नाम याद रखिएगा ये अशर मुबशरा में से हैं उन दस सहाबी जिनको एक दफा में जन्नत की बशारत दीन नबी सल्हलम ने इनके फ़ादर तो इनके जो फादर थे ना वो मशरकी मुशरक थे है ना उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया था और यानी अपनी असबियत में अपनी इस्लाम नफरत में वो इतना सख्त था वो इंसान कि वो इस इरादे से आया था कि वो अपने बेटे को कत्ल कर देगा दोनों ने जंग बदर के मैदान में है ना तो ये बहुत यानी ये नफरत की इंतहा होती है ना कि इंसान जो अपनी औलाद को कतल करने के लिए तैयार हो जाए कुफर के सबब ठीक है तो अबूबैदा अमर अबर्राह दौरान जंग जो है जब भी अपने वालिद को देखते तो वहाँ पर से हट जाते थे दूसरी तरफ चले जाते थे क्योंकि तो वो नहीं चाहते थे कि उनके और उनके वालिद के दरमियान जो है जंग हो और ये बिल्कुल फितरी बात है यानी ईमान के इंतहा के बावजूद और अशर मुबशरा होने के बावजूद यानी कि यानी अगर उनके दिल में ईमान के किसी कमी का तस्वुर नहीं किया जा सकता यानी हम और आपकी ईमान की कोई हैसियत है नहीं उनके बारे उनके मुकाबले में इसके बावजूद एक फितरी जज्बे के तहत व नहीं चाहते थे कि उनका और उनके बाप का मुकाबला हो ठीक है ना तो वो चाह रहे थे कि अगर उनका बाप कत्ल भी हो तो किसी और के जरिए हो किसी और के हाथ हो तो ये चीज़ जो है ईमान के बुनियादी जज्बे के ख़िलाफ़ नहीं है है ना समझ लीजिए यानी ये डिफरेंस करना सीखिए आप ये सीरत के मकासद में से एक मकसद ये भी है कि डिफरेंस करना सीखिए कि कौन सी नरमी बेनिफिशियल नरमी है कौन सी सख्ती बेनिफिशियल सख्ती है और कौन सी सख्ती जो है वो मुनासिब नहीं है और कौन सी नरमी है जो मुनासिब नहीं है यानी यानी मुतलकन न नरमी बहुत हमेशा के लिए एक वैलिड प्रिंसिपल है और मुतलकन न सख्ती हमेशा के लिए एक वैलिड प्रिंसिपल है यानी नरमी और सख्ती के सही होने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा कराम की सुन्नत मतहर्र से मुताबिकत है ना कि फी ही नरमी और सख्ती हमेशा के लिए एक अच्छी चीज है नहीं है ना यानी नरमी और सख्ती तब अच्छी होगी जब सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होगी और नरमी और सख्ती जब तब बुरी हो जाएगी जब सुन्नत रसूल और सुन्नत सहाबा के मुखालिफ हो जाए तो ये बात समझनी ज़रूरी तो ये एक फितरी जज्बा था ये ईमान के मुखालत वाली कोई बात नहीं थी अलबत्त उनके बाप के अंदर असबियत इतनी ज्यादा थी कि वो खोज खोज के अबू उबैदा आमिर अल-जर्राह पे हमलावर होते रहे बिल आखिर जो है अपने आप को बचाने के लिए अबू उबैदा अबू उबैद आमिर अबनजर्रा रजी ने अपने डिफेंस में जब तलवार चलाया तो वो उनके बाप को लगी और फिर उसका इंतक़ाल हो गया उसका नाम जर्राह था तभी उसी उसी नस्बत से न इनका नाम अबू उबैदा इबन आमिर लिखा हुआ लेकिन आमिर होता है ये, ये मिस प्रिंट है अबू उबैदा आमिर अब्नजर्रा तो ये जो है ए, इनके फादर की इस तरह डेथ हुई अब जाहिर है कि ये इनके लिए सदमे की बात थी तो ये गमगीन हुए कि ये नहीं चाहते थे ना कि इनके हाथों से ये चीज़ हो जाए अब ये चीज़ किसी ज़माने में भी होती तो इंसान के लिए तकलीफ का सबब होती लेकिन अरब के माहौल को आप मद्देनज़र नज़र रखिए कि जहाँ पैटर्नल और बाप की इज्जत और बाप के लिए जान देना और अपने कबाइल के लिए जान देना और अपने बाप की नेकनामी की कोशिश करना और अपने बाप के नस्बत पर फख्र करना वगैरह वगैरह इस तरह की जितनी असबियत की कस्में होती हैं वो एक नोबल चीज़ मानी जाती थी एक काबिल तारीफ चीज़ मानी जाती थी यानी ऐसा नहीं कि इस्लाम ने इस्लाम आया और अगले दिन से ये सारे जज्बा जो हैं ख़त्म हो गए थे ऐसा नहीं था इन जज्बा को इन पैमानों को ख़त्म होने में वक्त लगता है बहुत और कुछ चीज़ें फितरी भी होती हैं यानी उस उस सोसाइटी में अपने बाप का कतिल के नाम से मशहूर होना ये बहुत ही तकलीफ बात थी इवन इसके इस्लाम आ गया था लेकिन ये चीज़ इनके लिए एक एक इनके दिल को भारी करने का सबब थी और शुरू से इसकी कोशिश कर रहे थे कि ऐसा ना हो और बिल यही हुआ अल्लाह को यही मंजूर था तो ये जो है वो अपने बाप के कातिल के नाम से मशहूर हो गए कुछ दिनों के लिए लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इनकी तइद में कुरान में आयत नाजिल की सूरह मुजादिला में सूरह मुजादला में गालिबा अंठावन नंबर की सूरह है उसकी जो आखिरी आयत है उसमें यानी उसके शान नज़ूल में आप पढ़ें तो अबू उबैदा अमर इब्न अल अमिन रज़ी अल्लाहु अनह के तारीफ़ में यायत नाजिल हुई है और ये यानी जैसा कि शान नजूल का असूल है कि नाजिल किसी के बारे में भी हो उसका मफहूम जो है वो यानी उस उससे नसीहत आम होती है उसका नज़ूल एक ख़ास मकसद के तहत होता है यानी ख़ास मकसद और तो कॉन्टेक्स में उसका नज़ूल होगा लेकिन उसकी नसीहत आम होगी तो अल्लाह ताली फरमाता है मनहद यानी आप हरगिज़ न पाएंगे आप हरगिज नहीं पाएंगे उन लोगों को जो अल्लाह और योम आखरत पे ईमान रखते हैं कि वो ऐसे लोगों से मोहब्बत करें जो अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन है यानी ये बिल्कुल वाज़ ओसूल बताया गया कि ईमान और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन से मोहब्बत ये दोनों मुनाफी हैं यानी ये कभी एक दिल के अंदर जमा ही नहीं हो सकती और ये बात अगर कोई मैं कह रहा होता या कोई दूसरा इंसान कह रहा होता तो जाहिर है कि वो इंसान की राय कह के रद्द किया जा सकता था लेकिन ये मालिक यूमद्दी मालिक अल्लाहल का कलाम है और अल्लाह तरमा है ला तजिदू। आप नहीं पाएंगे वो ईमान ला लाते हैं वाल आखिर और आखरत के दिन का यकीन रखते हैं उस पर ईमान लाते हैं कि वो मोहब्बत करें यानी के मोहब्बत औरब्ब का तल्लु क़ायम रखें उन लोगों के साथ जो उसके रसूल के दुश्मन है वलऊ कानूम चाहे वो उनके अपने बाप ही क्यों ना हो या उनके अपने बेटे ही क्यों ना हो अव इखवान न चाहे वो उनके अपने भाई ही क्यों न हो अशियरत हम अशरत अशीरत हम या फिर उनके अपने ख़ानदान वाले क्यों न हो यानी अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाजह गवाही दी कि ईमान और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसम के से दुश्मनी रखने वाले की मोहब्बत एक दिल के अंदर जमा नहीं हो सकती गोया की अल्लाह और रसूल सल्ला वसलम

ये ईमान के मुनाफी हैं है ना तो और इसकी गवाही जो वो दे रहा है अल्लाह जो अरहमर राहमीन है जिस यानी दुनिया की तमाम रहमतों का मसदर और दुनिया की तमाम रहमतों के मौजूद होने का सबब वो अरहमर राहमीन है ये वो अल्लाह है जिसने अपनी तारीफ़ ही बिसमल रमनिम से की यानी कुरान मजीद जब आप खोलते हैं तो पहली चीज़ जो अल्लाह के कलाम में नज़र आती है वो अल्लाह के नाम के साथ शुरू करना और अल्लाह की दो सिफत का जिक्र है और वो दो सिफतें सिफत रहमत पे दलालत करती हैं यानी अल्लाह जब बंदों से मुखातिब होता है और अल्लाह ताला जब बंदों से तल्लक़ क़ायम करता है और जब ये चाहता है कि बंदे को मेरी मार्फत हासिल हो तो सबसे पहले जिस सिफत को ज़िक्र करता है जिसका बयान करता है वो सिफत रहमत है गोया अल्लाह ताला की सिफ़त रहमत अल्लाह के मजमू तमाम सिफ़त के ऊपर गालिब है अल्लाह ताली का इजहार रहमत तमाम सिफात के इजहार से ज़्यादा बर्थ यानी ज़्यादा आम है ज़्यादा कॉमन है इसके बावजूद यानी रहमत के तमाम तवरत क की मौजूदगी बारी तला के रहमत के सबब है यानी इन तमाम बातों के बावजूद अल्लाह ताला यानी खुल के इस बात का ऐलान कर रहा है कि अल्लाह उसके रसूल वसल्लम के दुश्मनों की मोहब्बत जो है अहले ईमान के दिल में नहीं हो सकती है ना ईमान के मनाफी हैलाई का कतबुल ईमान ये वो लोग हैं जिनके दिलों जिनके दिलों के लिए के ऊपर जिनके दिलों के ऊपर ईमान को लिख दिया गया है यानी गोया कि ये जज्बा वला और बड़ा का जज्बा यानी जिसमें मोहब्बत जो हो अल्लाह उसके रसूल और उनसे मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत हो और अल्लाह उसके रसूल वसल्लम के दुश्मनों का बोग और कुफ़र और शिर का बोग इंसान के दिल में हो ये कैफ़ियत और ये मिजाज जो है ये सबब होता है बिहु उमान ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर ईमान को लिख दिया गया है वह अयदहम बरू ही बिरू और इनकी मदद की जाती है अल्लाह ताली की तरफ से रूह के ज़रिए यानी जबरीइल के ज़रिए वहीुद्लुम जन्नत इन तजी और अल्लाह उन्हें दाखिल करेगा किन उन जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी खाल दीन अफिया ये उसमें हमेशा रहेंगे रजी अल्लाह अनहू रजी अल्लाह अनह अल्लाह इनसे राज़ी हो गया है वह रजु अनहू और ये लोग अल्लाह से राज़ी हो गए हैं का हिजबाल ये अल्लाह की फ़ौज है अल्ला हिजबल्लामफिलिन्न और याद रख लो खबरदार हो जाओ कि अल्लाह की फ़ौज ही बिल आखिर जो है कामयाब होने वाली है तो गोया अल्लाह ताला ने जो अपनी फौज की की तो तौ, तोसीफ़ बयान की के औसाफ़ बयान किए हैं तो उसमें ये खास से सत बयान की है जिसको वला और बरा कहते हैं यानी अल्लाह से मोहब्बत हो और उस मोहब्बत के तकाज़े में हर वो चीज़ से मोहब्बत हो जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब करने वाली हो या उनसे मुहबत करने वाली हो और फिर इसका उल्टा यानी कि बोग्ज़ हो कुफ़र और शिरक़ से और हर उस चीज से बोग्ज हो जो कुफ़र और शर्क में इस करने वाली हो उसमें मदद करने वाली हो है ना ईमान का बुनियादी तकाजा है और ये हज़रत अबू उबैदा आमिरबिनजर्राह रज़ी उन्हों के शान में नाजिल हुई थी कि यानी उनकी उनके प्रोटेक्शन में उनके दिफा में कुरान मजीद में अल्लाह ते सना जो है नाजिल की तो ये बड़ी अहमियत की हामिल आयत है आगे चलते हैं अगला वाक़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अबू इब्ने उतबा अबू इब्ने उतबा उतबाह रज अनु किसी भाई का अगर कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह लास्ट के लिए बचा के रखें है ना जी तो तो अब अबू हुज़ैफा इबन उतबा रजील् का वाक़ सुना दें पहले पहले ये समझ लीजिए ये कौन है ये उतबा के ही बेटे हैं अब ये उतबा कौन है जो सबसे पहले मुबारे के लिए आया था और जो शुरू में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुआ था जो नहीं चाहता था कि जंग हो और जिसने बहुत कोशिशें की कि जंग ना हो और जो है भाग दौड़ की और रसूल्ला सब ने उसकी हिमत की तारीफ़ की फरमाया कि अगर कुरैश उस शख्स की बात मान लें जो इस वक्त सुर्ख ऊँट पर है तो वो कामयाब हो जाएंगे नहीं वो उनके लिए बेहतर होगा तो उतबा के अंदर थोड़ी हिमत मौजूद थी लेकिन अबू जहल के भड़काने पर सबसे पहले जो है मुबादे के लिए चला गया और अपने आप को हमेशा की जहन्नम को मुस्तक बना लिया तो ये मुबारज़े के लिए जब गया था तो ये अपने बेटे वलीद के साथ गया था वलीद इबन उतबा और इसका भाई यानी शेबा इबन रबिया और ये खुद उतबा इबन रबिया तो इसी का एक और बेटा था यानी इनके एक और इस, इसके एक और बेटे थे है ना जिनका नाम था अबू हुफ़ा इबन उतबा है ना नस्बत देख रहे हैं ना आप तो ये ईमान ला चुके थे और ये सहाबाक राम के साथ मौजूद थे ठीक है ना तो अच्छा ये अबू हुज़ैफा जो हैं ये अपनी नेक कामों के लिए बहुत मशहूर थे ये गुलामों के साथ बहुत अच्छा हसन सलूक करते थे और अबू हुज़ैफ़ा के ही एक गुलाम थे उतबा के बेटा अबू हुज़ैफा जो इस्लाम कबूल कर चुके थे इनका एक ग़ुम था जिसका नाम था सालम तो उनको लोग कहते थे सालि मौला अबी हुजैफ़ा तो सालम को इन्होंने आज़ाद कर दिया था कि तुम जाओ आज़ाद हो और सालिम ने भी ईमान कबूल कर लिया था तो को इन्होंने आज़ाद कर दिया था मैं थोड़े से साइड में चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपकी इन्फॉमेशन में इजाफ़ा हो जाए तो सालिम ने जब ईमान कबूल किया तो इन्होंने सालिम को आज़ाद कर दिया लेकिन सालिम ने अबू हुज़ैफा का साथ नहीं छोड़ा कहा मैं आपके साथ ही रहूँगा लिहाजा सालम को कुरान जो है अबू हुफ़ा से ज़्यादा याद था तो जब ये घर में नमाज़ पढ़ते थे मक्के के अंदर ज़ाहिर है कि जमात से उस तरह नमाज़ तो नहीं होती थी तो घर में दो दो तीन तीन लोग करके जमात से नमाज़ पढ़ते थे तो अबू हज़ैफ़ा और सालम ये दोनों यानी गुलाम और आका दोनों घर में नमाज़ पढ़ते थे और सालम कोई नमाज़ पढ़वाते थे कहते थे बड़ी इज्जत किया करते थे बहुत मशहूर है वो अब अब्दुल्ल इबन उमर के स्टूडेंट है सालिमला अब्दुल्लाबन उमर है ना तो वो सालिम अलग है ना और वो सालिम वो है जिनसे बहुत सारी रिवायतें अब इबन उमर उमर के ऊलूम का बहुत बड़ा जखीरा जो है सालिम से आ, नहीं सालिम माफ कीजिएगा माफ़ कीजिएगा नाफे हैं जो अब्दुल्लाबन उमर के गुलाम है सालिम तो बेटे हैं सालिम साल इब इबन उमर ये उमर बिन खत्ताब के पोते ये दूसरे सालिम हैं जो ज्यादा मशहूर हैं यानी अगर आप हदीस वगैरह की किताब पढ़ेंगे तो उन सालिम का नाम ज्यादा आता है तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा जब अबू हुज़ैफा के कॉन्टेक्स्ट में या कुरान के के किरात वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में सालिम का जिक्र आए तो उससे मुराद सालिम मऊला अबी होते हैं यानी अबू हुज़ैफा इबिन उतबा का गुलाम सालिम जो कुरान की किरात के लिए और कुरानी उलूम के लिए बहुत मशहूर थे और हदीस की किताबों में अगर आप सालिम पढ़ेंगे तो उससे मुराद होंगे सालिम इब्ने अब्दुल अब्दुल्ला इब्ने उमर ये हजरत उमर बिन खत्ताब के पोते हैं अब्दुल्ला इब्न उमर के बेटे हैं और हदीस में मुवत्ता जो बहुत मशहूर किताब है हदीस में मुवत्ता में जितनी रिवायतें इब्न शहाब अज से आई इबन शहाब अहरी बहुत बड़े मुहदस थे उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में तो इमाम मालिक ने जितनी रिवायतें इब्न शहाब अहूरी से ली हैं उसकी अक्सर तरीक़ा जो है उसके अक्सर चैन ऑफ नरेशन इसी सालम से होते हुए गुजरते हैं जो अब्दुल् इबिन उमर के बेटे थे तो हदीस की किताबों में अगर आप सालि पढ़ेंगे तो समझ जाइए कि उमर बिन खत्ताब के पोते हैं इबन शहाबाब जहरी के उस्ताद हैं और इब्ने शहाब झूहरी जो है इमाम मालिक के उस्ताद हैं एक सिलसिले से ठीक है तो गोया कि इमाम मालिक ने हदीस से रवायत की इबिन शहाबूरी से इब्ने शहा झूरी ने सालिम से रिवायत की सालिम अब्दुल्बिन उमर के बेटे हैं उन्होंने अब्दुल्बिन उमर से रिवायत की और अब्दुल बिन उमर ने उमर बिन खताब से और उन्होंने रसूल से जिन साहब का ऑडियो ऑन हो गया वो अपने ऑडियो को ऑफ कर लें तो ये दो सालिम है यानी हदीस की किताब में वो और कुरान कुरानी क़िरात वगैरह में अगर आप सालिम का नाम सुने तो ये मुराद है ठीक है तो ये सालिम जो है वो इसलिए भी बहुत मशहूर है तो अबू हजैफ़ा जो है ये उतबा के बेटे थे इनको इनका एक इनसे गलती हो गई जिसका ज़िक्र यहाँ सामने आएगा बद्र में गलती ये हुई कि रसूल वसम ने आप देखते हैं कि जंग जैसे ही शुरू होती है तो इनके बाप इनके चचा और इनके भाई का की डेथ हो जाती है कुफ़ार कुरैश की तरफ से लड़ते हुए मुबारज़े में है ना और कत्ल इनको इन तीनों को कौन करते हैं हज़रत हमज़ा रजील अनहू और हज़रत अली इबन अबी तालिब रज़ी अल्ला दोनों बनु हाशिम के तो और रसोल ने जंग बदर में ये ऐलान भी कर दिया था कि बनु हाशिम के लोग कत्ल नहीं किए जाएंगे क्योंकि आप जानते थे कि फ्यूचर में बनो हाशि को इस्लाम कबूल करना है और बनु हाशिम के एहसाना बहुत ज्यादा थे मुसलमानों के ऊपर यानी उनके जो मुशरिकीन थे ना उनके भी एहसाना बहुत ज़्यादा थे कि शेबा अभी तालब जो हुआ है बायकॉट जो हुआ है तो बनु हाशिम और बनु मतलब के मशरकिन भी जो है रसोसम और साहबाक राम के साथ जो है वो उन्होंने मशक्क़तें उठाई हैं उन्होंने जो है पेड़ के पत्तियाँ खा के जिंदगी गुजारी और तीन साल तक मुसलसल मशक्क़त जो है बनो हाशिम के मशरकिन ने भी झेलिए तो इस अतबार से रसोम ने जज्ब एहसान मंदी के तहत बनु हाशिम के कत्ल से मना कर दिया ठीक है और इसके पीछे हमत ये थी कि बनो हाशिम बहुत बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल करेंगे बाद में जैसा कि आप पढ़ेंगे और इन चीज़ों का इल्म रसो वसम को था और नबी के अहकाम जो होते हैं वो कतई होते हैं यानी वो किसी जज्बात पे मबनी नहीं होते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजल्ला इसलिए नहीं मना किया था कि मेरे घर वाले बच जाए बल्कि आप तो सबसे ज्यादा अपने घर वालों को और अपने आप को कुर्बान करने के लिए आगे बढ़ते रहे हैं हमेशा से लेकिन बहरल यानी जो सिचुएशन ऐसी हो गई कि इनके बाप इनके चाचा इनके बेटे इनके भाई तीनों का कत्ल हो गया और फिर वो यानी बात के बनो हाशिम को कत्ल ना किया जाए तो जरा सा हुज़ैफ़ा के अंदर एक जाहिली जज्बा जो था एक असबियत का जज्बा वो भड़क उठा बसा औकात जो है वो यानी कि एक वक्त में उन्होंने क्या जज्बे के तहत और इमोशनल स्टेट में ये कह दिया कि हमारे बाप चचा और औलादें तो कत्ल किए जाएं और रसोल सम के घर वाले महफूज रहें अब जाहिर ये बहुत बुरी बात थी ये ऐसी बात थी कि अगर किसी गैर नबी के बारे में कह कह दी जाए तो फिर भी काबिल तलाफी है लेकिन अगर नबी के बारे में कह दी जाए तो आसमान फट जाए इस बात से ठीक है ना और जमीन शक हो जाए ये ऐसी बात थी जो इनके लिए लायक व जेबा नहीं थी एक सहाबी का ये कहना बिल्कुल लायक ज़ेबा नहीं था तो अब जब ये बात इन्होंने कह दी जाहिर जज्बे के जज्बात के तहत ही कहीं परेशान होकर कही लेकिन बहरहल ये कह दी इनकी इरादा नहीं था इस तरह की बात कहने का लेकिन इन्होंने कह दी अब रसूल सल्लम ने इस सिचुएशन को कैसे डील किया आप चा, आप तो एक हु फरमाते हो और अब अबूफा की जबान बंद कर दी जाती साहबा कराम तो जान देने के लिए तैयार थी उमर रजीला ने जैसी ये बात कही उमर रजी ने अपनी तलवार निकाली और कहा कि अल्लाह के रसूल आप मुझे हुक्म दें हुज़ैफा मुनाफिक हो चुका है ए, मैं उसे कत्ल कर देता हूँ तो रसूल सब ने कतल से मना कर दिया कहा nah, नहीं कतल नहीं करो उसको छोड़ दो बस उमर रजीला के सामने रसूल ने अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया और कहा कि क्या एमर बिन खत्ताब क्या रसूल्ला सल्हम के चचा के चेहरे पर तलवारें चलाई जाएँ यानी चूँकि आप जानते थे कि उनके चचा जो है इस्लाम कबूल कर लेंगे और अब्बास रजी को कतल करने का भी यानी अब्बास चूंकि उधर से आए थे कुरैश की तरफ से आए थे तो अबू उजफ़ा ने कसम खा ली थी कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं अब्बास को कतल करूंगा अब जाहिर है ये चीज़ बहुत यानी कितने ही जज्बे के तहत कही जाए कितने ही excuses को दिया जाए कितनी किसी गैर नबी के बारे में कही जाए तो मैंने कहा कि इसकी तलाफी मुमकिन है नबी के बारे में अगर ये बात कह दी जाए हालांकि नबी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन नबी के एक फैसले की मुखालफत कर दी अपने जज्बे के तहत अपने वकती इमोशनल स्टेट की वजह से तो उमर रजील्लाहों से रसोल्लाब ने कहा कि अबू हुफ़ा को रोक के रखो यानी अबूफ़ा को जंग में नहीं जाने दो उमर रजील्लान्हों से इसलिए कहा कि आप जानते थे कि उमर में वो मजबूती है अबू हुफ़ा को वही रोक सकते हैं लिहाजा हजरत उमर ने गए अबूफा को पकड़ लिया पूरे जंग में छोड़ा ही नहीं अब ये उम्र ही थे जो ये कर सकते थे कोई दूसरा यानी वो दूसरा इस तरह का रोग नहीं रखता था तो रसोल्लाब ने इस मामले को जो है वो हल्के तरीक़े से डील किया कि नुकसान भी ना हो अबूफा के गुस्से का जंग में और अबू हुज़ैफा को के पास ख़ुद रसोसम तशरीफ नहीं ले गए क्योंकि ये चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सबब बन जाती है वो कभी ख़ुद को माफ़ नहीं कर पाते अबू हुज़ैफा तो उमर रज़ील्लाहों के ज़रिए जो है इस मामले को डील किया और ये भी लीडर की अक्लमंदी पर दलालत करता है नबी सली वम के एहसान यानी आपका जज्ब एहसान पे दलालत करता है कि आपने अबू हजैफ़ा के ऊपर एहसान किया कि आप ख़ुद नहीं गए अगर आप खुद चले जाते तो दो में से एक बातें होती या तो अबू हजैफा अगर रसोल्ला सम के सामने भी ये बात कह देते तो कुफर हो जाता ठीक है तो इससे भी बचाना मकसूद था है ना रसोल्ला सम का यानी ये आपकी रहमत और शफकत ही थी ना कि आप नहीं चाहते थे कि कोई गुस्से में आके भी जो कोई ऐसी बात बोल दे जो उसके लिए सबब हलाकत हो जाए तो खुद आप नहीं गए क्योंकि अगर आपसे कह देते तो ये कुफर हो जाता और इसकी मिसालें मिलती हैं एक दफ़र हज़रत अली इबन अबी तालब रजी मस्जिद में सो रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगल में तशरीफ़ फरमा दी तो आपने दूर से एक सहाबी को बुलाया और कहा कि अली को उठा दो हालांकि अली रजी के बगल में बैठे हुए थे आप तो साहबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप भी तो यहीं भी बैठे थे आप भी उठा सकते थे तो कहा कि अगर वो उठने में देर करेंगे या ये कहेंगे कि अभी थोड़ी देर मुझे सोने दो या मना कर देंगे कि नहीं नहीं अभी नहीं मुझे उठ नहीं, नहीं उठना है तो अगर नींद के गलबे के तहत वो ये बात कह दें तो तुमसे कहेंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा लेकिन मुझसे कहेंगे तो बहुत बड़े गुनाहगार हो जाएंगे तो अल्लाह के रसूल रसम ये भी जानते थे कि कब उम्मती आपको अगर मना कर दे तो बहुत बड़े गुनाह गुनागार हो जाए तो आप बसा अवकात ऐसी चीज़ें तलब भी नहीं करते थे खुद बल्कि किसी और से तलब करवाते थे तो यहाँ पे भी जो है अबू हजैफा को बचाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उनके पास नहीं गया एक दूसरा दूसरा ये सिचुएशन होती कि इंतहाई शर्मिंदा हो जाता अबू हुफा और अपने आप को कभी माफ़ नहीं करते हमेशा जो है वो अपने आप को लान तान करते रहते तो ये भी नहीं चाहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाजा उन्होंने उमर को भेजा इस काम के लिए ठीक है ना बहरहाल अबू अजैफ़ा फरमाया करते थे कि अल्लाह की कसम मैंने एक जुमला ऐसा कहा है कि अगर मैं पूरी ज़िंदगी इबादत करता रहूँ तो भी मुझे यकीन, मुझे यकीन नहीं होगा कि मेरा वो जुमला माफ़ होगा कि नहीं इल्ला ये कि मैं शहीद हो जाऊँ यानी अबू अज़ैफ़ा कहा करते थे कि अगर मैं पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहूँ पूरी जिंदगी रोज़ा रखता रहूँ पूरी जिंदगी हज करता रहूँ पूरी जिंदगी कुरान पढ़ता रहूँ तो मेरा एक जुमला जो मैंने बदर में कहा है वो इन सब आमाल को खा जाएगा सिर्फ एक जुमला इन तमाम अमाल को खा जाएगा लेकिन हाँ अगर मैं शहीद हो गया तो वाहद ये ज़रिया है जिसके ज़रिए मैं तलाफी कर सकता हूँ अपने उस तो गुना को इससे दो बातें समझ में आई एक ये कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के मुकाबले में जबान नहीं खोलना चाहिए बहुत डरना चाहिए कि इस्लाम के किसी हुक्म के बारे में आप इंसान अपनी राय दे जबकि वो उसकी राय जो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ हो और ये कहेगी मेरा ये मानना है कि ऐसा होना चाहिए जबकि उसका ये मानना कुरान और हदीस के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ हो है ना तो इससे डरना चाहिए क्योंकि ऐसा कहने के बाद उसके तमाम अमाल के गारत हो जाने का खदशा है एक दूसरा बड़े से बड़ा गुनाह ऐसा है जो शहादत की जरिए से जो है उसकी तलाशी मुमकिन है तो सहाबा कराम ये बात बिल्कुल अंडरस्टूड थी कि वाहिद अमल जिसके ज़रिए बड़े से बड़े गुनाह की तलाफे मुमकिन है वो आ, शहादत है ठीक है ना तो इससे शहादत का मुकाम उसका मरतबा भी समझ में आता है ठीक है तो बहरहाल मामला ये हुआ कि अबू हजैफा उतवा के बेटे थे उतबा की जब जंग बदर ख़त्म हो गई तो जंगबा की लाश को जो है वो घसीट के कुएं में फेंकने के लिए ला रहे थे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि इन इन सजरात को कुएं में डाला जाए उनकी लाशों को तो जब उनकी जिसम को खींचा जा रहा था उतबा के जिसम को तो अबू अबा की निगाह पड़ी तो अबू जफा का चेहरा बदल गया यानी जाहिर है एक फितरी जज्बे के तहत तकलीफ तो होगी ना बिल तकलीफ का होना ईमान के मुनाफी नहीं है अगर किसी का बाप उस किसी का भाई किसी का अपना जो है कुफर पे मरे या उसकी मौत हो जाए और वो कुफर पे था यानी कुफर पे भी था तो उस पर तकलीफ और रंज और गम को महसूस करना ये बिल्कुल फित्री है ये ईमान के मनाफी नहीं है ईमान के मुनाफी ये है कि इंसान उसकी हमियत में इस्लाम उसके खिलाफ बातें बोल जाए ये इस्लाम के मनाफी है ये ईमान के मनाफी है जैसा इससे पहले की आयत यानी हम देखते हैं कि जो अब्दुल्ल इबन आमर इब्न अल्जर्र रजील की शान में नाजिल हुई उसमें ये उस में जो वाला और बरा की तलीम है उससे भी ये बात वाजा हो जाती है तो बहरहाल जब यह देखा तो उनके चेहरा तब्दील हो गया और उनके चेहरे पर नागवारी के आसार हुए तो रसोल्ला ने इस चीज़ को महसूस किया अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह सकते थे ना कि अरे अबू अबूफ़ा तुम तुमको अलला वलबरा नहीं मालूम है तुम अपने बाप के लिए तकलीफ क्यों महसूस कर रहे हो क्या तुमको कुफर के लिए हमदर्दी है इस तरह की बातें सख्त बातें आप कह सकते थे ना लेकिन आपने ऐसी बातें नहीं कही नहीं आप बेसिक इंसानी जज्बों की कदर करते थे ऐसा नहीं है कि वला और बरा के नतीजे में इंसान जो है बददमा और बद्दिल हो जाए यानी ऐसा नहीं है कि वला और बरा का मतलब ये है कि इंसान का बाप अगर कुफर पे हो या उसकी माँ कुफर पे हो तो उस, उसकी मौत पे इंसान को भी महसूस ना हो ये इन तकालीफ़ का महसूस होना बिल्कुल फितरी है और अल्लाह उसके रसूल सल्ला वसम के हुक्म को और आपके अहकाम को और आपकी मोहब्बत को सबसे सुपियर रखना यह ईमान का तकाजा है इसका मतलब यानी इसके इसके मुनाफी नहीं है कि इंसान अपने क़रीबी रिश्तेदारों से बुनियादी मोहब्बत रखे जो इवन कुफर पर भी क्यों ना हो ठीक है ना लेकिन उनकी मोहब्बत कभी भी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ऊपर नहीं होनी चाहिए उसके मद् मुकाबिल नहीं होने चाहिए उसके आसपास नहीं होनी चाहिए है ना तो और कुछ जज्बात फितरी होते हैं यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन फितरी जज्बात की कदर किया करते थे तो आपने कहा कि ए अब हुफ़ा गिबा तुम पे ये चीज़ शाख गुजर रही है तो अबू हुफ़ा ने कहा कि मुझे अपने वालिद की अक़लमंदी और उनके केयर और उनके बेहतरीन शख्त से हमेशा ही उम्मीद थी और ये सही बात भी है उतबा की शख्सियत को हम देखते हैं कि रिलेटिवली बेटर शख्सियत थी उसकी हमेशा उम्मीद थी कि बिल आखिर इसको अल्लाह ताला जो है ईमान की दे देगा दे इस्लाम की तोफीक दे देगा दे लेकिन आखिरकार उसका अंजाम जो है कुफर पर हुआ और वह कुहर पर मर गया तो इसका मुझे बहुत अशद अफसोस है तो रसोल ने इस वक्त क्या किया हाथ उठा तो के अब हुफ़ा इबन उतबा के लिए दुआ की उतबा के लिए नहीं की समझ लीजिए कि एक मशरक और काफिर के लिए दुआ करना जायज़ नहीं है उसकी मौत के बाद उसकी जिंदगी में उसकी हिदायत के लिए दुआ की जा सकती है लेकिन उसके मौत के बाद उसके लिए मकसरत की दुआ नहीं की जा सकती है ये अबू तालिब के कॉन्टेक्स में हम पढ़ के आए लेकिन इस मौके पर रसुलसम का यानी दिलजोई का तरीक़ा ये था कि अबू अबूज़ैफ़ा के लिए दुआ की खूब दुआएं की इतनी दुआएं की कि अबू ज़ैफ़ा जो है खुशी से मुस्कुराने लगे यानी इतनी दुआएं दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये आपका दिलजोई का तरीका है है ना इसकी दूसरी मिसाल भी मिलती है के अबू जहल के बेटे इकरमा ने जब इस्लाम कबूल किया तो अभी वो इस्लाम कबूल उन्होंने रास्ते में ही कर लिया था और किसी को मालूम नहीं था दिल ही दिल में इस्लाम कबूल कर लिया और मदीना आ रहे थे रसूल वसम की तरफ तो ये बहुत बाद का वाक़ है फ़तेह मक् के बाद का वाक़ तब हम तफसील से बताएंगे तो इक्रमा आ रहे थे तो किसी को मालूम नहीं था तो नबी सल्ला मस्जिद में बैठे हुए थे और आपने साहबा से कहा कि अभी तुम्हारे पास अबू चहल का बेटा इस्लाम कबूल करके आ रहा है खबरदार को उसके सामने उसके बाप का तस्करा मत करना है ना यानी साहबा में ये बात तो बिल्कुल वादा थी ना कि अबू जहल इस उम्मत का फिरौन है और बहुत बड़ा लानती है और हमेशा का जहन्नमी है लेकिन एक फितरी चीज़ होती है कि एक इंसान के सामने उसके माँ बाप का बुरे अल्फाज में तस्करा ना किया जाए है ना इसका मतलब ये नहीं है कि साहबा ने अपना अकीदा बदल दिया कि नहीं अबू जहल जो है वो जन्नती है ऐसा कोई अकीदा नहीं किया उन्होंने उनका अकीदा बिल्कुल वाजह था कि वो जहन्नमी है और वो लानती है और वो नबी अलैहि वसल्लम का दुश्मन था लेकिन नबी अलैहि वसल्लम ने एक बेसिक मरौत और बेसिक इंसानियत के तहत ये किया कि इक्रमा के सामने जो है अबू जहल का तस्करा मत करना ये ये एक अलग ये एक ये मरअत एक अलग चीज़ है और वला और बरा एक अलग चीज़ है बसा अवात क्या होता है कि हम मरअत के नाम पर वला और बरा में कटौती कर देते हैं और बाज़ लोग वला और बरा के नाम पे जो है मरवत और इंसानी बेसिक जो एक एटिकेट होते हैं उसमें कटौती कर देते हैं तो दोनों को सेपरेटली समझना है और नबी सल्ह्ल्सम हुसना में दोनों की मिसालें मिलती हैं और चूंकि नबी अलैहि वसल्लम से बेहतर किसी की मिसाल नहीं है अल्लाह ताली ने कुर में इस बात की शहादत दी कि लक़द कानकुम फी रसूल उस हसनत लिमन कानजुल्ल व्यूमल आखिर के उस बेशक तुम्हारे लिए रसुल्लु वसम की ज़ात ताकद में बेहतरीन नमूना है हर उस शख़्स के लिए जो अल्लाह और योम आखरत पे यकीन रखता है तो आपके ज़िंदगी में बुनियादी मरवत और एक बेसिक डिसेंसी की मिसालें मिलती हैं और वला और बरा की सेपरेट मिसालें मिलती हैं दोनों को गडबड नहीं करना है समझ लीजिए बात को ठीक है ना तो इस मौके पे भी रसोल्ला वसम ने अबू अबूफा की दिलजोई की और उनके लिए खूब दुआएं दी इससे एक और बात समझ में आती है कि अबू हजैफ़ा का गुना माफ़ हो गया क्योंकि नबी सल्ला वसम ने उनके लिए खूब दुआएँ की तो इससे भी अबू हजैफ़ा का दिल थोड़ा सा मज़बूत हुआ और उनका उनको जो है वो इत्मीनान हासिल हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आफू और शान दरगुजर इससे मज़दीद जो है वाजह हुई इन यहीं पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ आगे कुछ और वाक़ात हैं बद्र की और इन मैं समझता हूँ दो लेक्चर और लगेगा बदर के ऊपर तो अल्ल तुआ है कि अल्लाह ताली जो है वजस को कबूल फ़रमाए इसमें जो ख़ता हो गई अल्लाह ती उसको माफ़ करे और जो सही बात हुई है उसको हमारी और आपकी माफ़ी का ज़रिया बनाएँ हमारी और आपकी अल्लाह ताला की, की बारगाह में तकर्रब का हुजूरी का माइत का ज़रिया बनाए और अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आप सल्लम के हुस्ना पे अमल करने की आप पे कसरत से दुरूद सलाम पढ़ने की हमें तोफ़ीक़ता फरमाए अमीन या रब्लमी अल्हमदिल्लि अबिलमी इन शाली अब मैं धीरे धीरे आप लोगों के सवाल जो मौजू से रिलेटेड होंगे ले लूँगा